नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली। आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। भाइयों बहनों, न खाऊंगा न खाने दूंगा। भाइयों बहनों, न खाऊंगा न खाने दूंगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये डायलॉग मैं क्यों लगा रहा हूं। ये डायलॉग तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नारा दिया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। इसकी आज क्या नौबत आ गई तो आपको बता दूं। पहले आप ये वीडियो सुनिए, स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है वीडियो सुनिए। कोविड ओमिक्रोन के मार्गदर्शन वाले इस प्रोग्राम में सुनील सिंह ने वसई विरार के उन जाने माने व्यापारियों और बिल्डरों के नाम गिनाए जो तन मन धन के साथ खुलेआम तौर पर भी बीजेपी का साथ देते आ रहे हैं और देते रहेंगे। इसमें शेखर जी अपने व्यापारियों के साथ, हाथ उठाइए, शेखर जी अपने पूरे व्यापारियों के साथ एक संकल्प किए हुए हैं, जो 2, 4, 5, 10 दिन में वो संकल्प का सहयोग विधायक जी के पास पहुंचेगा। सबसे पहले मैं इसकी शुरुआत करता हूं तो मैं विधायक जी को 5,01,000 रुपए का योगदान आपके चुनाव के लिए मेरी तरफ से दे रहा हूं। और भी अगर चुनाव तक हो सका तो और भी मदद देंगे। यहाँ के जो आगरा के कांदा बदाता जो व्यापारी हैं, वो व्यापारी लोगों को भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि वो सहयोग के लिए निकल पड़े हैं और अच्छा से अच्छा सहयोग आपको देंगे। और जो यहाँ के जो बिल्डर हैं, बंडी सिंह जी कहाँ हैं, इनका जो ग्रुप है, ये भी आगरा के हमारे ये जो विधायक हैं, अपने ग्रुप की तरफ से आपको एक अच्छा सहयोग यहाँ से प्रदान करेंगे। महाराष्ट्र की तरफ से हमने एक अच्छे सहयोग के लिए एक मानसिक विभाग के रूप से एक संकल्प किया हुआ है जो विधायक जी को पहुंचेगा। और आनंद अहवले जी है, अहवले जी ये यहाँ के प्रतिष्ठित बिल्डर है, इनके ग्रुप की तरफ से भी आपको एक अच्छा सहयोग मिलेगा। और हमारा भारतीय श्रमिक संघ है जो 1992 में जिसकी स्थापना हुई, हमारे श्रमिक संघ की तरफ से भी एक अच्छा सहयोग आपको मिलेगा। और भी जो व्यापारी, ये देखिए कैलाश शर्मा जी खड़े हुए, टिकोरी मिश्रा उनके बगल में है, ये सारे लोगों का जो ग्रुप है आपके सहयोग के लिए एकदम संकल्पबद्ध है। इनका अच्छा सहयोग आपकी तरफ जाएगा। जो लोग और भी सहयोग करना चाहते हो अपने ग्रुप के साथ, जैसे बंदी सिंह हाईवे पे हैं तो उनके साथ सहयोग कर सकते हैं, नागेंद्र जी वहाँ पे हैं वो जो सहयोग करना चाहे उनके ग्रुप के साथ वो सहयोग कर सकते हैं, है ना। अभी सुशील जी है, आनंद जी है और यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, इस सहयोग देने के हिसाब से ही और स्वागत के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आपने ये वीडियो सुना, ये वीडियो एक साथी चैनल इंकलाब न्यूज ने लगाया। ये हाल ही में एक कार्यक्रम आयोजित किया था भाजपा ने, राष्ट्रीय कोविड ओमिक्रॉन गाइडलाइन, ये उसका कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में वसई विरार के भाजपा जिलाध्यक्ष राजन नाइक भी दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ यहाँ के भाजपा के नेता सुनील सिंह दिखाई दे रहे हैं। और जो मुख्य अतिथि है वो और कोई नहीं, उत्तर प्रदेश के आगरा के विधायक योगेंद्र उपाध्याय है। योगेंद्र उपाध्याय की उपस्थिति में यह कार्यक्रम हो रहा है। अब कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन नाम है कार्यक्रम का क्या? राष्ट्रीय कोविड ओमिक्रॉन मार्गदर्शन। लेकिन इस कार्यक्रम में मंच से, खुले मंच से माननीय विधायक महोदय को आगामी विधानसभा चुनाव में मदद किए जाने का ऐलान किया जा रहा है। आपने सुना भी, सुनील सिंह ने जो बोला अपनी तरफ से, उन्होंने 5,00,000 रुपए की इनाम मदद की घोषणा की और बाकी के कई बिल्डरों की तरफ से उन्होंने ये नाम लिए और घोषणा की। अब सोचिए,
जो प्रधानमंत्री बोलते कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, उनके विधायक, उत्तर प्रदेश के विधायक महाराष्ट्र में आकर यहां से पैसा उगाही करते हैं। कितने शर्म की बात है। भाजपा की कथनी अलग है, करनी अलग है, और ये बात सामने आ गई है। वहीं यहां के जो लोग हैं जिन्होंने इसमें सहयोग करने की बात कही है, ये लोग भी यहां पर अवैध निर्माण में चकचूर है। इनका बड़ा बड़ा साम्राज्य अवैध निर्माण का, और उसका पूरा पैसा, यानी वो पैसा कहां इन्वेस्ट होता है, इलेक्शन में इन्वेस्ट होता है। इसके लिए इनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती है। अब क्या प्रदेश प्रशासन इस पे दखल देगा? अभी चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले चंदे की घोषणा होने चालू होगी, वो भी खुले मंच से, खुले मंच से चंदा दिया जा रहा है। अब इसको क्या समझा जाए? किसी राजनीतिक पार्टी को चंदे का देश में कोई ये नहीं है, प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इस तरह से खुले मंच से एक लोबी द्वारा दिया जाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है आप समझिए। और इस वीडियो को इतना फैलाइए कि लोगों को भाजपा की हकीकत मालूम पड़े। वैसे देखना जाए तो वसई विरार में भाजपा का कुछ भी नहीं है, जो गिने चुने नेता है वो भी सिर्फ ढोल बजाते रहते हैं, लेकिन असली खेल ये यूपी से मॉनिटर होता है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मैंने जो आपको दिखाया, ये वीडियो इनकलाब न्यूज ने लगाया था, और हालांकि अब इनकलाब न्यूज ने भी ये वीडियो अपने चैनल से हटा दिया है। ये भी एक बड़ा सवाल है कि इनकलाब न्यूज ने क्यों हटाया। या तो हो सकता है कि उनको उनके ऊपर दबाव किया गया हो, या और कोई दूसरा भी कारण भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।